आखिर संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी में हुई किस टीवी एक्ट्रेस की एंट्री, क्या होने वाली है हीरा मंडी की खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। दोस्तों, संजय लीला भंसाली ने गंगूबाई की शूटिंग खत्म कर अब हीरा मंडी की तैयारी शुरू कर दी है और कहा जा रहा है कि जहां पर गंगूबाई का सेट था उसी सेट पर हीरा मंडी को शूट किया जाना है। आपको बता दें कई टीवी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जिन्होंने टीवी की दुनिया में बहुत ज़्यादा नाम कमाया और वहाँ से आगे बढ़कर वो ओटीटी की दुनिया में कदम रख लिए हैं। अब इस लिस्ट में नाम है करण टेकर का, सिद्धार्थ शुक्ला, मोना सिंह, रश्मि देसाई समेत कई टीवी एक्टर ऐसे हैं जिन्होंने ओटी वर्ल्ड में एंट्री मारी है। और अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ चुका है, वो है छोटी सरदारनी फेम एक्ट्रेस निमृत कौर अहलूवालिया का। निमृत ने एंट्री मारी है वो भी संजय लीला भंसाली के ड्रीम प्रोजेक्ट हीरा मंडी में। जी हाँ, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है छोटी सरदारनी फेम एक्ट्रेस को और अब वो इस फिल्म में नजर आएगी। उन्हें इस सीरीज की कास्ट में एक बेहद अहम रोल के लिए साइन किया गया है। अगर ऐसा होता है तो निमृत के लिए ये किसी ड्रीम डेब्यू से कम नहीं होगा। आपको बता दें कि हीरा मंडी संजय लीला भंसाली का बहुत ही मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट है। वो पिछले 12 सालों से इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं और फाइनली उन्होंने सोचा है कि अब बना ही दिया जाए। ये प्रोजेक्ट 8 एपिसोड की सीरीज का होने वाला है। खबरों के मुताबिक अब तक इसके लिए 18 एक्ट्रेस इसका नाम सामने आ चुका है। सीरीज लाहौर के मशहूर रेड लाइट एरिया हीरा मंडी पर आधारित है और इसमें राजनीति से लेकर ड्रामा सब कुछ दिखाया जाएगा। इस सीरीज को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी विभू पुरी को दी गई है। विभू फिल्म सावरिया फिल्म में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर चुके हैं। खबरें ऐसी भी है कि सीरीज के शुरुआती 2 एपिसोड खुद संजय लीला भंसाली डायरेक्ट करेंगे। वैसे आप कितने एक्साइटेड है इस सीरीज के लिए नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।